अगली खबर में हम बात करते हैं सागर की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मांगों को लेकर डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 24 घंटों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र छात्राओं ने कहा कि जब तक कुलपति हमारी मांगे सुनने के लिए नहीं आएंगी, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के गेटों पर ताले जड़ दिए, प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गेट पर तैनात हुई। विद्यार्थी को समझाइश देकर धरना स्थल पर बैठाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उपाध्यक्ष अनुश्री अवस्थी ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्रावास में छात्राओं को 7 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाता है, जबकि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का समय रात 9 बजे तक है। ऐसे में छात्रावास में प्रवेश का समय 9:30 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी आने वाली छात्राओं को परेशानी होती है। इसके साथ ही यदि कोई छात्रा बाहर जा रही है और उसकी ट्रेन का समय रात 1 बजे भी हो, तो हॉस्टल से शाम 6 बजे से ही बाहर कर दिया जाता है। ऐसे में छात्राओं को परेशान होना पड़ता है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हॉस्टल की वार्डन अभद्रता करती है, वे सामान बाहर फेंकने की धमकी भी देती है। उक्त मांगों को लेकर 1 महीने पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। 1 महीने पहले कन्या छात्रावासों में ऑनलाइन सर्वे करवाया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। सर्वे में कन्या छात्रावास की जो छात्राएं हैं, उनने बहुत सारी मांगे अपनी परेशानियां रखी थी, जिनको लेके हमने यहाँ 1 महीने पहले एक ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पे हमको 1 महीना पूर्ण हो चुका है, अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। हम पिछले 24 घंटे से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अभी तक VC मैडम आके हमें उन मांगों का कोई उत्तर नहीं दिया है।